हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर स्टडी ऑफ क्लास 7th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन। अपन स्टूडेंट उसमें अपन ने चैप्टर 7 का 4.1 कंप्लीट किया था। आप अपने पास में एक्सरसाइज आते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपने पास में देखो स्टूडेंट क्या है, गिवन फर्स्ट द स्टेप जो विल गिव योर सेपरेट वेरिएबल एंड सोल्व द इक्वेशन। अपने को इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट, अपने को सोल्व करना है। अपने पास में 7th क्लास में और 8th क्लास में चलता है वन वेरिएबल इक्वेशन। तो अपने पास में स्टूडेंट वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल ऑफ वैल्यू फाइंड आउट। अपने को वन वेरिएबल का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। अपने पास में वन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अपने पास में स्टूडेंट देखो, अपने पास में आ गया एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, फाइंड द वेरिएबल नंबर एक्स। अपने पास में स्टूडेंट वेरिएबल नंबर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को एक्स का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट। तो अपने स्टूडेंट माइनस वन को कांस्टेंट, अपने स्टूडेंट अपन माइनस वन को कांस्टेंट करेंगे क्योंकि अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इक्वल जीरो, माइनस वन को कांस्टेंट, माइनस वन प्लस वन माइनस वन ऑफ कांस्टेंट माइनस यूनिट चेंज इन टू प्लस, तो एक्स इक्वल जीरो प्लस वन। तो अपने पास में स्टूडेंट एक्स ऑफ वैल्यू फाइंड आउट ऑफ वन, एक्स ऑफ वैल्यू फाइंड आउट ऑफ वन। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने पास में इसमें सेकेंड क्वेश्चन आता है इसका, वाई माइनस इक्वल फोर। अपने पास में स्टूडेंट अपने पास में इसमें वेरिएबल नंबर है वाई, अपने पास में वेरिएबल नंबर वाई। तो अपने पास में फाइंड द वेरिएबल नंबर वाई, तो वाई इक्वल फोर, माइनस फोर ऑफ कांस्टेंट प्लस फोर, माइनस फोर ऑफ कांस्टेंट प्लस फोर। तो वाई इक्वल फोर में फोर एड किया एट, फोर में फोर एड किया एट, तो वाई इक्वल वैल्यू एट। अपने पास में स्टूडेंट वाई ऑफ वैल्यू एट फाइंड आउट होता है क्योंकि अपने पास में वेरिएबल नंबर है वाई, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वल फोर, माइनस फोर ऑफ ट्रांसलेट प्लस फोर, तो फोर प्लस फोर एट। अपने पास में नेक्स्ट आता है अपने पास में थर्ड वाला, एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, फाइंड द वेरिएबल नंबर एक्स, फाइंड द वेरिएबल नंबर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने पास स्टूडेंट इसमें अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में एक्स इक्वल जीरो, माइनस वन ऑफ ट्रांसलेट प्लस वन, तो एक्स इक्वल जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन। तो अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना पास में आता है फोर्थ क्वेश्चन, वाई प्लस फोर इक्वल फोर, वाई प्लस फोर इक्वल फोर, फाइंड द वेरिएबल नंबर। अपने पास में स्टूडेंट आता है वाई, फाइंड द वेरिएबल नंबर वाई। तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो अपने पास स्टूडेंट वाई इक्वल फोर प्लस फोर ऑफ ट्रांसलेट माइनस फोर, प्लस फोर ऑफ ट्रांसलेट माइनस फोर। तो वाई इक्वल फोर में फोर सेपरेट किया जीरो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल जीरो। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन फाइव वाले क्वेश्चन करते हैं। फाइव वाले अपने पास में एक्स माइनस वन इक्वल फाइव, एक्स माइनस वन इक्वल फाइव। अपने पास स्टूडेंट फाइंड द वेरिएबल नंबर ऑफ एक्स, फाइंड द वेरिएबल नंबर ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स इक्वल फाइव, माइनस वन ऑफ ट्रांसलेट प्लस वन, तो फाइव में मैंने ऐड किया सिक्स, फाइव में मैंने ऐड किया सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिक्स। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास में स्टूडेंट अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स, सिक्स वाला अपने पास में आता है वाई प्लस फोर इक्वल माइनस फोर। अपने पास में स्टूडेंट इसमें अपने पास में वेरिएबल नंबर अपने पास में आता है वाई, वेरिएबल नंबर वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो अपन स्टूडेंट वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लस का फोर का क्या करेंगे अपन ट्रांसलेट, प्लस फोर इंच
ट्रांसलेट, अपन क्या करेंगे प्लस के फोर का ट्रांसलेट करेंगे, तो अपने पास में वाई इक्वल इक्वल ऑलरेडी है माइनस फोर, वाई इक्वल माइनस फोर, वाई इक्वल माइनस फोर, प्लस फोर ऑफ ट्रांसलेट माइनस फोर, तो वाई इक्वल माइनस फोर माइनस का फोर माइनस का एट। इसी के अकॉर्डिंग स्टैंड अपने पास में नेक्स्ट आ गया अपने पास में डी एन ई, तो अपने पास में डी वाले को अपन स्टैंड करते हैं, तो अपने पास में एस प्लस सिक्स इक्वल टू, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेवन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एट। इसमें स्टैंड अपने पास में गिवन है वेरिएबल नंबर एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को एक्स का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो अपने पास में नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स ट्रांसलेट ऑफ माइनस सिक्स, तो एक्स इक्वल माइनस इसीलिए ग्रेटर देन तो माइनस माइनस प्लस माइनस सिक्स सप्लाइड बाई टू फोर माइनस फोर, तो अपने पास में स्टूडेंट्स एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होता है माइनस का फोर। नेक्स्ट अपने पास में स्टूडेंट आता है एट वाई माइनस फोर इक्वल माइनस सेवन, वाई माइनस फोर इक्वल माइनस सेवन, अपने को स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है वाई वेरिएबल नंबर वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो वाई इक्वल माइनस सेवन माइनस फोर ऑफ ट्रांसलेट प्लस फोर, तो वाई इक्वल सेवन स्प्लिट बाय फोर थ्री ग्रेट माइनस तो माइनस का थ्री। तो अपने पास में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को वेरिएबल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने पास में क्यूब फर्स्ट द स्टेप टू विल बी यूज ऑफ सेपरेट एंड वेरिएबल एंड फाइंड द सॉल्व फ्लोइंग इक्वेशन, अपने को इक्वेशन सॉल्व करनी है, अपने को वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अपने पास स्टूडेंट को फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास में 3l इक्वल 42, अपने पास में फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास में 3l इक्वल 42 फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, अपने को एल का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट, तो एल इक्वल 42 थ्री मल्टीप्लाई बाय डिजिट डिवाइड थ्री मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, अपने को स्टूडेंट इक्वल में चेंज करते हैं प्लस ऑफ डिजिट चेंज माइनस माइनस ऑफ डिजिट प्लस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड एंड डिवाइड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट तो अपन स्टूडेंट फाइंड आउट करना है एल ऑफ वैल्यू एल इक्वल 42 थ्री मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, तो एल इक्वल थ्री वन जा थ्री वन फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व एल ऑफ वैल्यू 40। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन सेकेंड करते हैं अपन बी ऑफ वैल्यू बी अपॉन टू इक्वल सिक्स बी अपॉन टू इक्वल सिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, अपने पास स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकेंड फ्रैक्शन डेनोमिनेटिंग यूज वन फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकेंड फ्रैक्शन बिटवीन साइन इक्वल तो इक्वल साइन ऑफ डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइंस इक्वल तो डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने को यूज करना है डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास में स्टूडेंट बी इंटू वन इंटू सिक्स इंटू टू टू दे क्रॉस मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वन बी सिक्स मल्टीप्लाई टू एट टू ट्वेल्व है, तो अपने पास स्टूडेंट फाइंड द वेरिएबल ऑफ बी वैल्यू ऑफ फाइंड ट्वेल्व है। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपन सी पार्ट करते हैं, तो अपने पास में पी अपॉन सेवन इक्वल फोर पी अपॉन सेवन इक्वल फोर यूज द डेनोमीटर वन यूज द डेनोमीटर वन टू दे क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन साइन इक्वल, सो स्टूडेंट टू दे क्रॉस मल्टीप्लाई टू दे क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को स्टूडेंट करना है टू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो पी मल्टीप्लाई वन इंटू फोर इंटू सेवन पी वन जा पी सेवन फोर जा ट्वेंटी एट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इक्वल 28। अपने को नेक्स्ट स्टूडेंट करना है डी डी ऑफ क्वेश्चन फोर एक्स इक्वल
25. 4x equal 25. Find the variable number of x. Find the variable of number of x. So x equal 25. 4 multiply by divide. So 4 is not divided by 24. X value 25 upon 4. Find the variable number of x. X of value 25 upon 4. अपने पास में नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, अपने पास में थ्री पॉइंट आते हैं 8y = 36. फाइंड द वेरिएबल नंबर ऑफ y, अपने पास में डिवाइड 8 मल्टीप्लाई बाय चेंज इनटू डिवाइड. ओके स्टूडेंट, y इक्वल 36, 8 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो 4 टू द 8, 4 9 द 36, तो y इक्वल 9 अपॉन 2. y इक्वल 9 अपॉन 2. अपने पास में नेक्स्ट स्टूडेंट आता है एफ ओ. एफ पार्ट आता है अपने पास स्टूडेंट जेड अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन 4. टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन इक्वल साइन, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई अपन स्टूडेंट करेंगे, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो अपने पास में जेड इंटू 4, 5 इंटू 3, जेड का 4 से किया 4z और 5 3 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इक्वल 15, 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड. फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड 15 अपॉन 4. इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में जी पार्ट. जी वाला जो अपने पास स्टूडेंट सेम ही है, क्यू अपॉन 5 इक्वल 7 अपॉन 15. टू फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन इक्वल साइन, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई, डू दे क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट, जेड इंटू मल्टीप्लाई बाय 15, जेड इंटू मल्टीप्लाई बाय 15 और 7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्यू इक्वल 7 इंटू 5, 15 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, तो क्यू इक्वल 7 जा 7 अपॉन में कितना है स्टूडेंट 3, 7 अपॉन 3. इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपने पास में आता है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है 20z = -10. t = -10. फाइंड द वैल्यू ऑफ t, अपने को स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो t इक्वल -10, 20 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, तो t इक्वल -1/2. फाइंड द वैल्यू ऑफ t. ओके स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट, थैंक्स.